मेरे प्रिय बच्चे, एक नए समय का आरंभ होने जा रहा है, जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय आने वाला है। बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवर्तन ने अपने आप को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया है। यह संदेश माध्यम है तुम्हें उस परिवर्तन से अवगत कराने के लिए। खुशियों का समय आ रहा है, उत्सव मनाने का समय आ रहा है। जिन दुखों को पकड़ कर रखा था तुमने, उनके जाने का समय आ रहा है। अब तुम नई उमंगों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हें मिलने जा रहा है। यदि तुम परम पिता को अपना रक्षक मानते हो, तो इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर एक नया कदम ले रहे हो। चिंता करने का मौसम समाप्त होने वाला है और अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तुम्हारी सारी कामनाएं फलित होंगी। तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कामना की थी। अपने मन को व्याकुलता से मुक्त करो और अपने मस्तिष्क में आनंद को उतर जाने दो। तुम्हारे इंतजार का अंत हुआ है। तुम्हारी हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिला है। जीवन के हर क्षेत्र में तुम आशीर्वाद और सफलता को अनुभव करोगे। इस वर्ष तुम अपने जीवन में एक नई यात्रा का आरंभ करोगे, जो तुम्हें जीवन के एक स्तर और ऊपर लेकर जाएगा। तुम्हारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे और हर स्थान पर मंगलमय कार्य होंगे। ईश्वर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं और तुम्हें वह सब कुछ दे रहे हैं जो तुमने उनसे मांगा था। परमात्मा तुम्हारा नेतृत्व कर रहे हैं और तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें विश्वास है कि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, तो इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बेहतरीन योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारा कल बहुत सुनहरा है। आज तुम्हारे पास जो कुछ है, कल उससे बेहतरीन तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें बस परमात्मा पर अटूट विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है और अपनी कोशिशों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। ईश्वर भले ही भौतिक दृष्टि से तुम्हें दिखाई ना दें, पर वे हर पल तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारी हर एक परिस्थिति पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। मेरे प्रिय, ईश्वर तुम्हें एक सच्चे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो सदैव तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाएंगे और जीवन में
गलत चुनाव से बचाएंगे। यदि तुम भी परमात्मा को अपने मित्र के रूप में पाना चाहते हो तो एक बार अवश्य लिखना, मैं आपका मित्र हूँ। ऐसा करने से ईश्वर आपको सही बुद्धि और सही गुण प्रदान करेंगे। जो प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर उसके चित्त में निवास करते हैं। वह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करते हैं और जीवन में सदैव सही निर्णय लेने के लिए काबिल बनाते हैं। ईश्वर तुम्हारे मन को स्वस्थ करते हैं और तुम्हें दिव्य शांति प्रदान करते हैं। तुम्हारे मन में चल रहे सभी विचारों से तुम्हें शांति प्रदान करते हैं। परमात्मा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और यही चाहते हैं कि तुम भी उनसे उतना ही प्रेम करो। परमात्मा को अपना प्रेम प्रस्तुत करने के लिए एक बार अवश्य लिखो, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। परमात्मा किसी में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनका स्वभाव बड़ा ही सरल और भोला है। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उनकी बात अवश्य सुनते हैं। फिर चाहे वह अपराधी क्यों ना हो, अपने बच्चों की पुकार सुनकर वे उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय, ईश्वर बुराई का नाश करते रहे हैं। फिर चाहे वे बुराई समाज की हो या व्यक्ति की, और जब तक पृथ्वी है तब तक वह बुराई का समापन करते ही रहेंगे। ईश्वर ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दिया है और इस महत्वपूर्ण कार्य में वह तुम्हारे सहभागी बने हैं। तुम अपनी सफलता के बहुत करीब हो। यही कारण है कि तुम्हारा बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। तुम परिवर्तन के समय में प्रवेश कर रहे हो। यदि तुमने अब तक इस संदेश को ध्यान पूर्वक स्वीकार किया है, तो परमात्मा तुम्हारी उस इच्छा को इस वर्ष में पूरी करने का कार्य प्रारंभ कर देंगे जो तुम सोच रहे हो। यदि तुम चाहते हो आय में बढ़ोतरी, तो वह अवश्य होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए नए अवसर और आशीर्वाद से भरा हुआ है। यदि तुम आने वाले समय में आशीर्वाद की ऊर्जा को आकर्षित करना चाहते हो, तो 777 टाइप करो। ईश्वर का मार्गदर्शन रूपी संदेश आप तक सही समय पर पहुंच सके, इसलिए मुदिता स्पिरिचुअलिटी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।